राहुल चौहान हैं, डायरेक्टर है आइग्रेन इंडिया से। उनसे सबसे पहले हम दलहन के बारे में बात करेंगे। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, चने में अचानक से तेजी फिर से दिख रही है, क्या वजह है? बाकी खाने, बाकी दलहन कीमतों में तो नरमी दिख रही है, लेकिन चना फिर से तेज क्यों हो रहा है? नमस्कार विश्व मोहन जी। देखिए, चने में क्या है कि आप जानते हैं कि अभी स्टॉक लिमिट भी लगी है चने में, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से चना की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण है कि जो त्योहारी मांग है आगे चलकर वो निकलती दिखाई दे रही है। आज से 1 साल पहले की बात करूँ तो 5 अगस्त 2023 को दिल्ली चना जो था वो 5575 रुपये के आसपास था, आज वो 7200-7375 पर ट्रेड हुआ है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद जो डिमांड निकलने की वजह से चना की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। तो ये सलाह आपको क्या लग रहा है कि दाम क्या और भी आगे बढ़ सकते हैं, क्या 7500 के ऊपर भी जा सकते हैं, या अब यहाँ से ज्यादा दाम नहीं बढ़ने वाले चने के? देखिए, लास्ट ईयर आप भी जानते हैं कि चना का जो प्रोडक्शन था वो अफेक्टेड हुआ है, कम हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले रबी 24 में, और जो जिस समय फसल की आवक इंडिया में हो रही थी उस टाइम भाव MSP से ऊंचे थे, जिस वजह से जो बफर का जो स्टॉक है वो भी कमजोर रहा है। तो सेंटिमेंट्स ओवरऑल ठीक लग रहे हैं, तेजी के सेंटिमेंट्स हैं, बिकॉज बफर का जो स्टॉक कमजोर होने की वजह से जो मध्यस्थता होती है बाजार में वो नहीं होगी, और ट्रेड जो होगा एक्चुअल सप्लाई और डिमांड पर चलेगा। तो ये व्यू चने को लेकर। अब बताइए आप तुअर को लेकर, तुअर में थोड़ी नरमी आई है क्या, और ये दाल सस्ता हो सकता है क्या? सर, तुअर में नरमी आने के 5-6 कारण हैं। सबसे पहला कि ये डिमांड बहुत कमजोर थी, और दूसरा विदेशों से काफी बड़ी मात्रा में तुअर का इम्पोर्ट हो रहा है, और इस साल म्यांमार में तुअर का जो उत्पादन था लास्ट ईयर से करीब 1 लाख टन बढ़कर 3.5 लाख टन बताया गया, और वहां से भी काफी बड़ी मात्रा में इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ पुराना कुछ कंट्री से माल फंसा हुआ था, वहाँ पर कंटेनर फंसे हुए थे, वो इंडिया में आने चालू हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो इम्पोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रैल से जून तक इंडिया में करीब 2 लाख टन से ऊपर हम तुअर इम्पोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर की सेम अवधि से 50,000 मेट्रिक टन अधिक है। तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है विदेशों से भी बढ़ी है इंडिया में, और जो अफ्रीकन क्रॉप नई आने वाली है उसको भी अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से मंडी में गिरावट देखने को मिली। राहुल जी, अब मेरे को आप बताइए यहाँ पर उड़द को लेके और मसूर को लेकर, इन दोनों के कीमतों को लेकर क्या ट्रेंड मिल रहे हैं? उड़द देखिए सर, मसूर और मूंग को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें हैं उनकी कीमतें MSP से जो बेंचमार्क की देती है इंडस्ट्री उससे अधिक चल रही हैं, और पिछले 1 महीने में उड़द की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट ईयर से अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो उड़द की कीमतें अभी भी मंडियों में ज्यादा है। अगर मैं उड़द FAQ चेन्नई की बात करता हूँ तो 1 साल पहले करीब 8,250 पर बिकी थी उड़द, जो 5 जुलाई यानी 1 महीना पहले 8,950 तक पहुंची है, और आज जो है 8,700 पर ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल म्यांमार में जो है उड़द का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, और इन 3-4 महीनों में म्यांमार से उड़द का इम्पोर्ट भारत में एक बड़ी क्वांटिटी में हुआ है, और जिसकी वजह से इंडिया में अवेलेबिलिटी जो है उपलब्धता बड़ी है उड़द की, और कीमतों में गिरावट देखी गई है। राहुल जी, अब छोटा जवाब दीजिए, खरीफ बुआई का जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस बार काफी अच्छे दिख रहे हैं, दलहन की बुआई तो जबरदस्त हो ही रही है, तिलहन की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, ट्रेंड किस तरह के देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया में आप 110 लाख हेक्टेयर में दलहन की बिजाई की गई है। लास्ट ईयर से मैं कंपेरिजन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लास्ट ईयर में बारिश कम हुई थी, अलियों की वजह से सोइंग सीजन भी काफी लेट शुरू हुआ था। अगर मैं 2021-22 के मुकाबले कंपेरिजन करता हूँ तो अवश्य ही तुअर की बिजाई में इजाफा देखने को मिला है, उड़द की बिजाई थोड़ी सी कमजोर जरूर है, परंतु मूंग की बिजाई अच्छी दिखाई दे रही है। राजस्थान में क्रॉप मानसून थोड़ा सा लेट आया था 1 हफ्ता, तो उस वजह से शुरुआती तौर में मूंग की बिजाई के जो आंकड़े थे कम आ रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर हाल बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि खरीफ के ओवरऑल भी नंबर्स पिक्चर काफी अच्छे दिख रहे हैं, ज्यादातर जो सोइंग के नंबर्स है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला।